डर जो है रहेगा तो हम डट के भी मुकाबला उससे करेंगे। तैयारी देखिए बहुत व्यापक है, 19,356 बेड हमारे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो पॉलिटिक्स का विभाग नहीं है, ये मानवता का विभाग है। एम्बुलेंस का सायरन बजते ही कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारी अलर्ट हो गए। स्ट्रेचर की मदद से उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया गया और संक्रमित पीयूष कुमार पाठक के ऑक्सीजन लेवल का जांच किया गया। इसके बाद कमरा नंबर 14 में डॉक्टरों ने स्क्रीनिंग की और फिर संक्रमित को आईसीयू में एडमिट किया गया। दरअसल कोरोना की आहट और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है, साथ को लेकर मंगलवार को देश भर में मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में रांची के सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। उनके साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए आज मॉक ड्रिल में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई प्रोफाइल बैठक आयोजित की थी, आप जानते हैं, और आज पूरे देश के स्तर पर मॉक ड्रिल हो रहा है। राज्य सरकार भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है और हम मॉक ड्रिल करके अपनी जो पूर्व की जो तैयारी थी उस तैयारी को फिर से रिविजन कर रहे हैं, उस तैयारी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर होगा, इसके लिए हम लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि झारखंड तैयार है कोरोना के विरुद्ध संक्रांत करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। हर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े हैं, राज्य की जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डर से तब तक डर जो है रहेगा तो हम डट के भी मुकाबला उससे करेंगे। तैयारी देखिए बहुत व्यापक है, 19,356 बेड हमारे हैं और उसमें जो है 1,456 बेड हमारे जो हैं वेंटिलेटर युक्त हैं, 1,435 हमारे बेड जो हैं वो हमारे आईसीयू के बेड हैं, हमारा जो है 11,356 ऑक्सीजन युक्त बेड है। तो हमारी तैयारी बहुत व्यापक है, हमारे 122 प्लांट जो हैं पीएसए प्लांट लग गए हैं, 27 आरटीपीसीआर हमारे लैब स्थापित होने के कगार पे हैं, जिसमें 8 तो फंक्शन पे हैं, 12 तैयार होके आईसीएमआर के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा वो भी चालू, आगे यदि आएगा तो उसको भी हम मजबूती से लड़ेंगे। नहीं, केंद्र से तो देखिए केंद्र और राज्य का बात नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग तो पॉलिटिक्स का विभाग नहीं है, ये मानवता का विभाग है। और जब फेडरल सरकार है तो संघीय सरकार का धर्म और दायित्व तो है कि राजहित राष्ट्रहित मानव हित में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हमारे एसीएस साहब ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख दिया है, उनको आदेश कर दिया है कि हमारे जितने दो हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन और हमारे जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो आवागमन के, अभी हम उसको थर्मो स्कैनिंग से उसको हम ये कर रहे हैं, आगे हम रेड से भी उसको जो है सैंपल लेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वैक्सीनेशन में झारखंड पीछे नहीं चल रहा है, लेकिन आप भी जब बात किया है और हमने राज्य की स्थिति से उनको अवगत कराया, उन्होंने विश्वास दिया है कि जल्दी हमको इन सब समस्याओं से निजात देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।